A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 27th August. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Risk. Risk ho gaya aapka jokhim and rewards. Rewards ka matlab ho gaya yahan par inaam. Yani jokhim aur inaam. On assets monetization scheme. देखो monetization का मतलब होता है conversion of an asset into cash. मतलब कोई भी एक ऐसी asset जिससे कि जिसको cash में convert कर दिया जाता है उसको बोल सकते हैं हम monetization. Asset का मतलब हो सकता है कोई भी संपत्ति. तो फिलहाल जो हमारी सरकार है, जो central government है, कुछ पर्टिकुलर जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उनको वो प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं, प्राइवेट जो ऑनर्स हैं उनके हाथों में दे रही है. उन एसेट्स को मोनिटाइज कर रही है जिससे कि कुछ फंड को क्या किया जा सके, कलेक्ट किया जा सके. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल को स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. द एसेट मोनिटाइजेशन. एसेट हो गया संपत्ति एंड मोनिटाइजेशन का मतलब हो गया जब किसी पर्टिकुलर एसेट को कैश में कन्वर्ट किया जाता है. इट मींस जब किसी पर्टिकुलर एसेट को आप जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनके हाथों में देते हैं जिससे कि कुछ पैसा क्या किया जा सके, उसको कलेक्ट किया जा सके. तो फिलहाल सरकार कुछ ऐसे पब्लिक सेक्टर्स हैं जिनको क्या कर रही है, जिनको प्राइवेट प्लेयर्स, जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑनर्स है उनको हैंड ओवर कर रही है और उसके यूज के लिए जो वो यूज करेंगे उससे जो जो फंड मिलेगा, जो पैसा मिलेगा उसको यूज किया जाएगा. तो इस तरह का कुछ स्कीम फिलहाल बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, द एसेट मोनिटाइजेशन पुश. और इस तरीके से मतलब ये जो फंड इकट्ठा करना मोनिटाइजेशन को यूज करते हुए नीड्स केयरफुल कैलिब्रेशन. और बहुत ही केयरफुल कैलिब्रेशन. कैलिब्रेशन का मतलब होता है मेजरमेंट ऑन एन इंस्ट्रूमेंट सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग समथिंग एक्यूरेटली. यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये जो एसेट्स का मोनिटाइजेशन किया जा रहा है तो इसके लिए हमें एक केयरफुल कैलिब्रेशन की जरूरत है. कैलिब्रेशन का मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं मेजरमेंट, राइट? तो मेजरमेंट का मतलब इसका मूल्यांकन करना, इसके इसको इसको मेजर करना प्रॉपर तरीके से. टू इवेट. इवेट का मतलब हो गया टू एब्सटेन, बचाव करना या बचाना. फ्यूचर हैजार्ड्स. हैजार्ड्स का मतलब हो गया रिस्क या चैलेंज. तो फिलहाल जिस तरीके से ये एसेट्स को मोनिटाइज करने की बात कही जा रही है तो इसके लिए एक केयरफुल कैलिब्रेशन की जरूरत है. एक बहुत ही केयरफुल तरीके से इसका मेजरमेंट किया जाना चाहिए जिससे कि फ्यूचर में होने वाले जो रिस्क है, फ्यूचर में जो होने वाले डेंजर है, हैजार्ड्स है, उनको क्या किया जा सके, उनको इवेड किया जा सके, उनसे बचा जा सके. फॉलोइंग थ्रू ऑन द बजट प्लान. मतलब बजट को जो बजट तैयार किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उस बजट प्लान को फॉलो करते हुए टू मोनिटाइज पब्लिक एसेट. एज आई टोल्ड यू मोनिटाइज का मतलब हो गया यहाँ पर कुछ जो पब्लिक एसेट्स हैं उनको प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में देना इन ऑर्डर टू फंड फ्रेश कैपिटल. और इसका पर्पस क्या होगा, अगर हम प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में पब्लिक एसेट्स को देंगे तो उसे क्या करने, क्या पर्पस है उसका, टू फंड. फंड का मतलब यहाँ पे टू कलेक्ट कर सकते हो, टू कलेक्ट फ्रेश कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे रहे हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को, हम जो हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर्स दे रहे हैं, जो पब्लिक एसेट्स दे रहे हैं, इसे क्या इकट्ठा किया जाएगा, फंड इकट्ठा किया जाएगा एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब ये जो अगर बात की जाए जो पब्लिक एसेट्स दी जाएगी प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं, प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उससे जो पैसा आएगा उनको कहाँ पर यूज किया जाएगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर उसको यूज किया जाएगा. द गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड. हालांकि जो सरकार है उसने इस बात को रिलीज किया है
एंड एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स। एग्जॉस्टिव का मतलब हो गया बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव, विस्तृत लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड फैसिलिटीज टू बी ऑफर्ड। हालांकि सरकार ने जो पब्लिक जो जो भी पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं, जो पब्लिक एसेट्स फिलहाल जिनको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को मोनिटाइज करने की बात कही गई है, तो उसके पास एक बहुत ही एग्जॉस्टिव लिस्ट है, एक विस्तृत लिस्ट है जिसके अंदर प्रोजेक्ट्स हैं और फैसिलिटीज जो टू बी ऑफर्ड, जो ऑफर की जाएगी टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनको ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। यानी कि फिलहाल अगर बात की जाए जितने भी पब्लिक एसेट्स हैं वो अगले 4 सालों तक जितने भी ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या की जाएगी, उनको हैंड ओवर की जाएगी या लीज पे दी जाएगी। लीज का मतलब हो गया यहाँ पर एक तरीके से कोई चीज को आप एक तरीके से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उनको यूज करने के लिए देते हैं और उस चीज के लिए आप उसे उनसे रेंट लेते हैं, एक तरह से एक चार्ज लेते हैं। व्हाट डिस्टिंग्विशेस, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है टू डिफर, अलग बनाना, यानी व्हाट डिफर्स इट फ्रॉम द न्यू पब्लिक सेक्टर। दिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इज दैट द चेंज ऑफ ऑनरशिप इज नॉट इनविसाज्ड। इनविसाज्ड का मतलब हो गया इमेजिन, और डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया विड्रॉल ऑफ कैपिटल, एंड डिस्टिंग्विश का मतलब हो गया डिफर करना। देखिए व्हाट डिस्टिंग्विशेस मतलब क्या चीज है वो अलग बनाती है फ्रॉम द न्यू पब्लिक सेक्टर। जो हमारा नया पब्लिक सेक्टर है उसके अंदर जो डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की बात की गई है, जिसके अंदर क्या की गया विड्रॉल ऑफ पॉलिसी मतलब विड्रॉल ऑफ कैपिटल, कैपिटल लगाने की बजाय उसके अंदर पैसा लगाने की बजाय ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है किसको हैंड ओवर किए जा रहे हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है उनको हैंड ओवर किए जा रहे हैं। दैट इज अ चेंज ऑफ ऑनरशिप, दैट इज अ चेंज ऑफ ऑनरशिप इज नॉट इन विसास। लेकिन उसके अंदर जो ऑनरशिप है वो ऑनरशिप किसका रहेगा, वो सरकार का ही ऑनरशिप रहेगा, इज नॉट इन विसास, नॉट इमेजिन। ओवरऑल अगर बात की जाए तो जो ऑनरशिप रहेगा ऑनरशिप तो सरकार का ही रहेगा, लेकिन उन पब्लिक एसेट्स को यूज करने के लिए, सिर्फ यूज करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टर्स को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उनको वो चीजें यूज करने के लिए दी जा रही है। द गवर्नमेंट एस्टिमेट, जहां तक सरकार का जो एस्टिमेट है, अंदाजा है, दीज एसेट्स और ये जो एसेट फिलहाल मोनिटाइज की जा रही है कौन कौन सी है, वो एयरपोर्ट्स किए जा रहे हैं, कोल माइंस जो कोयले की खाने हैं, हाईवे स्ट्रेचेस जो बड़े बड़े जो रोड्स है हाईवे है, एंड इवन अर्बन ट्रेड्स, ट्रेड्स का मतलब यहाँ पर जो शहरी जो रोड है, एंड स्टेडिया, स्टेडिया मतलब स्टेडियम हो गया, एंड होटेल्स, ये सारी की सारी चीजें क्या की जा रही है, मोनिटाइज की जा रही है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनको दी जा रही है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए यूज करने के लिए। टू फेच, फेच का मतलब टू ब्रिंग, और जिससे क्या होगा अराउंड 5.96 लाख करोड़ थ्रू स्ट्रक्चर लीजिंग। और ये क्या की जाएंगे, ये सारी चीजें लीज पे दी जाएंगी। लीज का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप जब किसी एसेट को यूज करने के लिए देते हैं और उसके बदले में आप पैसा चार्ज करते हैं उसको लीजिंग बोल सकते हैं हम। और ये सारी चीजें के लिए 5.96 लाख करोड़ का क्या एक स्ट्रक्चर्ड प्लान्ड लीजिंग एंड सिक्योरिटीजाइजेशन। सिक्योरिटीजाइजेशन का मीनिंग देखिए क्या है, अ प्रोसेस ऑफ पूलिंग एंड रीपैकेजिंग फाइनेंशियल एसेट इन टू सिक्योरिटी दैट आर देन सोल्ड टू इन्वेस्टर्स। देखिए मतलब सिक्योरिटी के तौर पर अगर बात की जाए, जब आप कोई चीज की बात कर रहे हैं कि जो एक फाइनेंशियल जो एसेट्स है जिसको आप सिक्योरिटी के तौर पर रख रहे हैं, इन केस फ्यूचर में आपको वो पैसा वापस नहीं मिलता है तो डेफिनेटली सी बात है उन एसेट्स को आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, तो सिक्योरिटी के तौर पर रखना। तो ये फिलहाल अगर बात की जो सारे के सारे ये जो पब्लिक सेक्टर्स के थे इनको लीज पे दिया जाएगा और इनसे ऑलमोस्ट अगर बात की जाए 5.96 लाख करोड़ का क्या मिलेगा, पैसा और फंड मिलने की उम्मीद है। दिस इन टर्न कुड हेल्प फंड द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन विद न्यू प्रोजेक्ट्स वर्थ 100 लाख करोड़। ऑल दो द गवर्नमेंट हैज सेड फिस्कल कॉन्स्ट्रेंट आर नॉट द ट्रिगर फॉर दिस प्लान। अब फिलहाल बात की जाए, इन टर्न कुड हेल्प द फंड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइप, और ये जो 5.96 लाख करोड़ की बात की जा रही है तो इससे क्या मिलेगा, इससे हेल्प मिलेगी किसको, जो हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके अंदर 100 करोड़
उसके अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है, यानी उसको कहीं ना कहीं मदद मिल सकती है। हालांकि अगर गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, हैज सेड फिस्कल कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट का मतलब यहाँ पे बाधाएं होगी, डिस्टर्बेंस हो गया, फिस्कल फाइनेंशियल हो गया, जो हालांकि सरकार ने इस बात का दावा किया, सरकार ने इस बात का बोला है कि ये जो सारी मॉनिटाइजेशन की जा रही है ये फिस्कल कॉन्स्ट्रेंट यानी जो फाइनेंशियल जो बाधाएं है उसके तहत नहीं की जा रही है। और नो द ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब यहाँ पर स्टिम्युलेटर, उत्प्रेरक जिसको आप बोलते हैं, कोई उकसाने वाले की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये बोलने की बात की गई है कि ये जो मोनिटाइजेशन का जो प्लान किया गया है तो इसके पीछे कोई फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट नहीं है कि उसकी वजह से ये ट्रिगर हुआ हो, उसकी वजह से प्लान लॉन्च किया गया हो, इसकी वजह से प्लान लेकर आया गया हो, क्योंकि फिस्कल कॉन्स्ट्रेंट की वजह से, फाइनेंशियल फाइनेंशियल जो बाधाएं है उसकी वजह से ये सारी चीजें या ये जो पर्टिकुलर सेक्टर्स इनको मोनिटाइज किया जाएगा ऐसा फिलहाल नहीं है। तो सरकार ने क्या सोचा है कि ये जो पर्टिकुलर सेक्टर्स है इनको मोनिटाइज किया जाएगा और इससे जो पैसा आएगा तो उसको क्या किया जा सकता है, उनको नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स के अंदर उनको इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो फिलहाल सरकार का ये प्लान है कि वो कुछ पब्लिक एसेट्स से उनको मोनिटाइज करने का उसका विचार है। तो इसी बात को हमने फर्स्ट पेज में स्टडी किया, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखो नीड्स यहाँ पर आपने प्रेजेंट इंडेफिनाइट यूज कर लिया, टू इवेट टू प्लस वी वन आपने, टू प्लस वी वन ये आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, टू बी ऑफर्ड आपका इन्फिनिटिव प्लस पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, इज नॉट इनविसाज्ड ये आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने फिर पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। एज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमन जी, हैज एम्फसाइज्ड, एम्फसाइज का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना, उन्होंने इस बात पे जोर दिया क्या, दीज एसेट्स जो हमने पीछे डिस्कस की थी, ये सारे के सारे जो एसेट्स हैं और द लैंड, जमीन की अगर बात की जाए, देयर इन विल नॉट बी सोल्ड, उनको बेचा नहीं जाएगा, बट प्राइवेट प्लेयर्स विल बी आस्क टू पे फॉर द ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट राइट्स। अगर उनको क्या बेचा नहीं जाएगा, उनको सिर्फ उनको यूज करने के पर्पज से, जिससे कि वो उनको ऑपरेट कर सके, उनको मैनेज कर सके, तो उसके लिए उनसे क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, उनको पे करने के लिए बोला जाएगा। एंड एक्सपेक्टेड टू मॉडर्नाइज एसेट, और उनसे उम्मीद की जाएगी, मॉडर्नाइज का मतलब है इनोवेट करना, यानी नई नई जो एसेट्स है उनको इनोवेट करना, उनको यूज करना, उनको मैनेज करना, उसके बदले में क्या किया जाएगा, उनसे पैसे चार्जेस किए जाएंगे। एंड दैट इधर लैंग्विशिंग, लैंग्विशिंग का मतलब हो गया बहुत ज्यादा स्लगिश, सुस्त पड़े होना, और द सिंपली अंडर यूटिलाइज्ड, यानी वो सारे के सारे जो सेक्टर्स की अगर बात की जाए जिनको मोनिटाइज करने की बात कही गई है, तो उनके पीछे क्या वजह, यानी उनको बेचा नहीं गया है बल्कि उनको क्या किया गया, यूज करने के लिए दिया गया है, और उसके यूज करने के पर्पज से उनसे पैसा चार्ज किया जाएगा जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, और उनसे उम्मीद की जाती, मतलब ये जो ये पर्टिकुलर जो एसेट्स है उनको किस वजह से, उनको मोनिटाइज करने के पर्पज से दिया गया है, या तो वो एसेट्स वो क्या लैंग्विश हो चुकी है, सुस्त पड़ चुके हैं, या उनका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो इस वजह से उन एसेट्स को मोनिटाइज किया गया है और प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में दे दिया गया है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, और जहां तक हमारा मूलभूत जो ढांचा है उसके इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए, ट्रस्ट स्ट्रक्चर ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड दिस ईयर बाय द पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन टू रेज फंड्स अगेंस्ट ट्रांसमिशन लाइंस। और जहां तक अगर बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसने क्या किया, ऑलरेडी हैज बीन यूज दिस ईयर बाय पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन टू रेज फंड्स। तो उसने क्या किया है, उसने पावर जो ग्रिड कॉर्पोरेशन है उससे कहा क्या चीज के लिए, कि वो क्या करे, फंड्स रेज करे अगेंस्ट इस ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब हैंड ओवर करना, हस्तांतरित करना, टू रेज फंड्स अगेंस्ट ट्रांसमिशन लाइन्स नेटवर्क एंड कुड बी यूज फॉर हाईवेज, गैस पाइपलाइंस एंड रेलवे ट्रैक्स।
अच्छा, पावर ग्रिड ने मतलब जो क्या जो फंड को इकट्ठा किया, उस फंड को कहाँ पर हैंड ओवर किया जा सकता है, उसको कहाँ पर यूज किया जा सकता है? हाईवेज के लिए यूज किया जा सकता है, गैस पाइपलाइंस के लिए यूज किया जा सकता है, रेलवे ट्रैक्स के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये इस तरीके से मतलब ये जो जो पब्लिक सेक्टर की अगर बात की जाए, पब्लिक एसेट्स की बात की जाए, तो उनको मोनिटाइज करना, उस मोनिटाइजेशन से जो पैसा इकट्ठा होता है, फंड इकट्ठा होता है, तो उसको हमारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उसके अंदर उसको यूज किया जा सकता है, इंक्लूडिंग शामिल करते हुए द डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। देखो ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर क्या है, देखिए, टू क्रिएट, ये एक मतलब एक क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, टू क्रिएट अ सेफ एंड एफिशिएंट फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन इंडिया, सिस्टम इन द कंट्री। मतलब एक बहुत ही एफिशिएंट फ्राइट, फ्राइट वैसे किराया होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मतलब एक बहुत ही एफिशिएंट और सेफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजों को क्या करने की कोशिश की जा रही है, इनको प्रोग्रेस करने की बात की गई है। लेकिन जो पर्टिकुलर एसेट्स अनयूटिलाइज्ड है या लैंग्विश पड़ी हुई है, जिनका यूज कम किया गया, सुस पड़ी गई है, उन पर्टिकुलर एसेट्स को मोनेटाइज किया गया है, प्राइवेट प्लेयर्स को दिया गया है, बेचा नहीं गया है, उससे जो पैसा आएगा उसको जितना भी हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाएगा। फॉर पोर्ट माइनिंग्स, पोर्ट बंदरगाह हो गया, माइनिंग मतलब ये खान वगैरह से जो काम होते हैं, रेलवे स्टेशन, कंसेशन छूट होता है, अग्रीमेंट लेइंग आउट द कॉन्ट्रेस्ट, कॉन्ट्रेस्ट का मतलब हो गया यहाँ पे फॉर्म्स, रूपरेखा, फॉर फॉर अ पीपीपी, पीपीपी हो गया आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आर प्रपोज्ड। और ये अगर बात की जाए, जहां तक पोर्ट्स की बात की जाए, बंदरगाह की बात की जाए, खानों की बात की जाए, रेलवे स्टेशन की बात की जाए, और ये सारे के सारे मतलब कंसेशन अग्रीमेंट, कितनी छूट दी जाएगी, लेइंग आउट का मतलब हो गया यहाँ पे कंस्ट्रक्टिंग, रूपरेखा तैयार करना, किसकी रूपरेखा तैयार करना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो एक रूपरेखा तैयार की जाएगी कि ये जो पर्टिकुलर सेक्टर्स रहेंगे इनको मोनिटाइज किया जाएगा, और इनको मोनिटाइज करने का क्या आपके सेट गोल, सेट जो आपके जो कंडीशंस रहेंगी उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। अबाउट 88,000 करोड़, 88 करोड़ के आसपास, 88,000 करोड़ की अगर बात की जाए, इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन इन दिस ईयर इटसेल्फ। और जहां तक अगर बात की जाए, जो नेशनल मोनिटाइजेशन की बात की गई है, कुछ पर्टिकुलर एसेट्स हैं या जो पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जिनको मोनिटाइज किया जाएगा, जिसके तहत 88,000 करोड़ तक का मतलब एक्सपेक्टेड है कि इतना फंड को रिलीज किया, इतने फंड को इकट्ठा किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। तो ये सरकार की तरफ से ऐसा फिलहाल एक स्टेप लिया गया है, जिसके तहत वो कुछ जो पर्टिकुलर एसेट्स हैं या जो सेक्टर्स हैं उनको प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में देने वाली है, जिससे कि क्या किया जा सके, फंड को इकट्ठा किया जा सके। राइट, सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द ग्रामर कॉन्सेप्ट। विल बी आस्क, देखो यहां पर आपने यूज कर लिया विल Be asked, will आपका future indefinite के लिए use किया गया, be plus third form अपने passive structure use कर लिया, either और का combination होता है जो कि correlative conjunction है आपका, could be used, could आपका modal verb हो गया, उसके बाद be plus third form आपने use कर लिया जो कि आपका passive structure है। Now let us move on to our third slide. In addition to, इसके अलावा, in addition to 1.75 लाख करोड़, मतलब एक 1.75 इतने लाख करोड़ की अगर बात की जाए, ऑलरेडी एस्टिमेटेड इन द बजट फ्रॉम द सेल ऑफ पब्लिक फार्म्स। और बल्कि क्या की जा रही है, कुछ पब्लिक फार्म्स को सेल किया जाएगा, जिसके तहत 1.75 या 1.75 लाख करोड़ के आसपास बजट तैयार किया गया, उनको सेल किया जाएगा, और उन उन पब्लिक फार्म्स को सेल करने से इतना एक्सपेक्टेड है मिल जाना, सच एज एयर इंडिया एंड बीपीसीएल। ये क्या है, ये हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, मतलब जिसको आप बोल सकते हो ये हमारी पब्लिक फार्म्स है, इनको सेल किया जाएगा, उसको सेल करने से एक्सपेक्टेड है 1.75 लाख करोड़ का, मतलब क्या है, रिवेन्यू जनरेट किया जाएगा एक तरह से।
वाइल दिस गवर्नमेंट इज येट टू कंप्लीट अ सिंगल PSU सेल। हालांकि फिलहाल बात की गई है, ये जो बात की गई है फिलहाल अभी उसको सेल नहीं किया गया, क्योंकि देखिए वाइल जबकि दिस गवर्नमेंट फिलहाल ये गवर्नमेंट इज येट टू अभी तक टू कंप्लीट अ सिंगल PSU सेल। PSU का मतलब हो गया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मतलब जो पब्लिक सेक्टर के तहत आती है। तो फिलहाल एक भी ऐसा पब्लिक सेक्टर नहीं है जिसको सेल किया गया, लेकिन इसके बारे में विचार किया गया है। द रिस्क ऑफ एडवर्स ऑडिट पैरिस, देखो ऑडिट पैरिस पैराज का मतलब क्या होता है, देखो जनरली जो भी एडवर्स ऑडिट पैराज जनरली जो भी मतलब अगर कोई भी चीज को सेल किया जाता है, अगर बात की जाए कुछ पब्लिक फर्म को सेल किया जाता है, किसी एसेट्स को सेल किया जाता है, उससे जो पैसा मिलेगा तो उसका ऑडिट, ऑडिट का मतलब उसका ऑब्वियसली बात है उसका एक तरीके से आंकड़ा रखना, उसका बैलेंस रखना, तो ये सारे के सारे चीजें क्या होती है ऑडिट के तहत क्या किया जाता है, ऑडिट के अंदर आपका जितना भी बैलेंस है उसको मेजर किया जाता है, जितने भी सारे के सारे ट्रांजेक्शन होती है उनको चेक किया जाता है। द रिस्क ऑफ एडवर्स ऑडिट पैराज अबाउट वैल्यूएशन एंड प्रोसेस हैंग ओवर द मोनिटाइजेशन डील्स टू मोनिट। हालांकि प्रॉब्लम क्या आती है कि जो ऑडिट से रिलेटेड जो भी ऑडिट मतलब उसका जो वैल्यूएशन रहेगा उस एसेट्स का या जो प्रोसेस रहेगा, हैंगओवर का मतलब होता है डेंगल करना, अटका देना, मोनिटाइजेशन डील्स टू, क्योंकि ये जो अगर बात की जाए जो ऑडिट का जो प्रोसेस है काफी डिफिकल्ट है, जिससे कि उसका वैल्यूएशन कितना होना चाहिए उस पर्टिकुलर फर्म का, उस एसेट्स का, ये प्रोसेस क्या है थोड़ी क्या कर देती है हैंगओवर, उसको अटका देती है। मोनिटाइजेशन डील जो भी डील की जानी है उस डील को थोड़ा डिले कर देती है, उसको अटका देती है, क्योंकि क्योंकि ऑडिट को इतना आसानी से नहीं किया जा सकता, उसका वैल्यूएशन भी करना होता है। हालांकि हाउ एवर द पोस्ट ट्रांजेक्शन ट्रबल्स इन आउटराइट सेल्स कैन बी अ लिमिटेड नेचर, और ऑब्वियसली बात अगर बात की जाए आउटराइट का मतलब है स्ट्रेट, एंड द पोस्ट ट्रांजेक्शन ट्रबल इन आउटराइट सेल्स कैन बी लिमिटेड नेचर। देखिए और कहीं ना कहीं जो पोस्ट ट्रांजेक्शन है उससे रिलेटेड जो ट्रबल्स है उसको भी क्या नहीं किया जा सकता, वो भी लिमिटेड नेचर्स की है, यानी उनको उन ट्रबल्स को भी देखो। हाउ एवर द पोस्ट ट्रांजेक्शन ट्रबल्स इन आउटराइट सेल्स कैन बी लिमिटेड नेचर, और जो पोस्ट ट्रांजेक्शन की अगर बात की जाए उनसे जो ट्रबल होता है सेल्स करते दौरान वो भी लिमिटेड नेचर की है, यानी कहीं ना कहीं जो एक ट्रांजेक्शन होती है सेल्स की जाती है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एक तरीके से प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो इस वजह से भी ये जो मोनिटाइजेशन डील है उसमें डिले होता है। विथ प्रपोज कंसेशन, कंसेशन का मतलब है छूट, एग्जेम्पशन, प्रपोज डिसाइडेड पीरियड्स रनिंग अप टू 60 ईयर्स फॉर सम एसेट्स। हालांकि अगर लीज की बात की जाए तो कुछ एसेट्स ऐसी है जिसको लीज पे दिया जाएगा 60 सालों तक उसको लीज पे दिया जाएगा। NMP deals, National Monetization Policy deals by contrast could pose a long-term headache. और obviously बात है इस तरीके से मतलब लंबे टाइम तक लीज करना, ये कहीं ना कहीं इसका एक अपोजिट साइड भी दिखाई पड़ता है, एक लंबे टाइम तक एक हेडेक बना रह सकता है, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक 60 सालों तक अगर कुछ एसेट्स को दिया जाएगा लीज के ऊपर तो 60 साल एक छोटे टाइम पीरियड तो है नहीं, ऑब्वियसली बात है उससे भी एक तरीके से क्या होगा एक ऐसा कुड पोज, पोज का मतलब यहाँ पर इम्पोज करना, एक तरीके से एक लॉन्ग टर्म हेडेक बना रहेगा। If they are not structured with end user interest in mind, balancing the profit, और अगर बात की जाए ये जितने भी मतलब यहाँ पर agreement होने हैं, if they are not structured, planned with end user interest, और मान लीजिए जहाँ पे user के interest को दिमाग में नहीं रखा जा सकता है, नहीं रखा जाता है, balancing the profit, और profit को balance नहीं किया जाता है, and utility motive, और उन assets को उनका utility, उनका जो utilization proper तरीके से होना चाहिए वो motives को अगर ध्यान प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर नहीं किया जाता है तो डेफिनेटली सी बात है ये एक हमेशा के लिए एक हेडेक बने रहने वाला है। द रिस्क ऑफ द शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनर्स नीड्स टू बी वेट केयरफुली फॉर ईच सेक्टर। और फिलहाल अगर बात की जाए जो रिस्क और एक रिवॉर्ड जो बना हुआ है, जो क्योंकि पब्लिक सेक्टर, पब्लिक जो एंटरप्राइज है या पब्लिक जो है पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट पार्टनर्स को दिया जाना, तो दोनों सेक्टर्स को क्या करना चाहिए उसको वे डाउन करना चाहिए, उसको उसको एनालाइज करना चाहिए केयरफुल तरीके से, चेक्स
and balances are needed for actual infrastructure uses versus projection at the time of bidding. Bidding का मतलब बोली लगाना, और अगर बात की जाए चेक का मतलब यहाँ पर किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना, एक तरह से बैलेंस की बात की जाए, बैलेंसेस चेक एंड बैलेंसेस आर नीडेड, और चेक और बैलेंसेस जरूरत मुझकी जरूरत है फॉर एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वर्सेस प्रोजेक्शन एट द टाइम ऑफ बिडिंग. तो हमें अपने जो एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मूलभूत ढांचा है उसको देखना चाहिए, और जो प्रोजेक्शन है, जो हम जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं एट द टाइम ऑफ बिडिंग, हमें उसको क्या करना चाहिए, उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना चाहिए. और उसके बाद ही अगर कुछ प्रॉपर एसेट्स हमारी हैं और या कुछ प्राइवेट जो हमारा पब्लिक फॉर्म है जो कि हम प्राइवेट प्लेयर्स को देना चाहते हैं, तो उससे पहले एक प्रॉपर तरीके से उसको क्या किया जाना चाहिए, उसको चेक किया जाना चाहिए और उसको वे डाउन किया, उसको वे किया जाना चाहिए, उसको मेजर किया जाना चाहिए, जिससे कि जो जब बिडिंग होती है, नीलामी होती है, तो मतलब एक एक्चुअल सी बात है, नीलामी के टाइम पर फिर उसको प्रॉपर तरीके से बोली लगाई जा सके. क्योंकि देखिए सिंपल सा फंडा ये है कि अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर हम अपने हमें यानी जो अगर कोई भी हम फार्म को सेल करते हैं या कोई भी हम कोई एसेट्स है उसको हम मोनिटाइजेशन के लिए देते हैं, तो उससे पहले हमें इस बात को देखना चाहिए कि हमारा एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और कितना हमारा प्रोजेक्शन है, कितना हम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन चीजों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उन चीजों को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना चाहिए. राइट, सो दिस इज आवर थर्ड स्लाइड. नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर ग्रामर पार्ट. देखिए टू कंप्लीट आपका इंफिनिटिव केस हो गया 2+V1, नेचर आपका नाउन हो गया, तो लिमिटेड आपका V3 जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है. गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट ने इफ द गवर्नमेंट हैड इंप्लीमेंटेड लागू करना इट्स 2014 बजट प्रॉमिस, अगर मतलब गवर्नमेंट ने अपना जो बजट का प्रॉमिस किया था 2014 के अंदर, अगर उसको इंप्लीमेंट किया होता टू सेटअप एन एक्स अपेक्स बॉडी, अपेक्स का मतलब सुप्रीम, उच्च, मतलब अगर उसने कोई एक बॉडी को तैयार किया होता उस बजट को, बजट प्रॉमिस को इंप्लीमेंट करने के लिए 2014 के अंदर, टू डिवाइस, डिवाइस का मतलब यहाँ पे टू डिवाइस, टू मेक न्यू PPP मॉडल्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स को अगर तैयार किया होता 2014 की बात की जा रही है, और लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक, और जो पास्ट के अंदर जो मिस्टेक की गई है, इंडियाज इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी फॉर NMP वुड हैव बीन मैच्योर, और कहीं ना कहीं जो नेशनल मोनिटाइजेशन जो पॉलिसी है हमारी वो कब की क्या हो जाती, वो मैच्योर हो जाती, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात में बहुत ज्यादा डिले किया गया. जस्ट लाइक डिस इन्वेस्टमेंट, देखो डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है द विड्रॉल ऑफ कैपिटल फ्रॉम कंट्री और कॉरपोरेशन, यानी पैसे का निकाल लेना, इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसे लगाना और डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसे निकालना. डिस इन्वेस्टमेंट डील्स ड्यूरिंग अ डाउन टर्न, डाउन टर्न का मतलब डाउन ट्रेंड, नीचे की तरफ झुकाव होना. कुड क्राउड आउट, क्राउड आउट का मतलब फोर्स आउट न्यू इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क द टैग ऑफ फायर सेल्स. अगर बात की जाए देखें, जस्ट लाइक डिस इन्वेस्टमेंट डील्स, मतलब जहां तक डिस इन्वेस्टमेंट डील्स की बात की जाए, ड्यूरिंग ए डाउन टर्न, झुकाव के तौर, मतलब जब आपका जो ट्रेंड था वो नीचे की तरफ था, कुड क्राउड आउट, फोर्स आउट न्यू इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क द टैग ऑफ फायर सेल्स. फायर सेल्स के लिए यूज किया गया, मतलब फायर सेल्स मतलब जो चीजें जल जाती है, फायर सेल्स का मतलब जो चीजें जल जाती है उनके बाद जो चीजें बच जाती है उनको सेल करना. रिवेन्यू प्रोजेक्शन फॉर PPP एसेट्स कुड बी डिफ्लेक्टेड का मतलब रिड्यूस करना, लेसन द साइज यानी कम कर देना. तो ऑब्वियसली यह बात यहाँ पे बात बोलने की क्या की गई है कि मान लो जो डिस इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाती है, तो डिस इन्वेस्टमेंट मतलब कब होता है, जब डाउन ट्रेंड होता है, ऑब्वियसली बात है झुकाव नीचे की तरफ होता है, तो इससे क्या होता है, डिस इन्वेस्टमेंट होता है तो फोर्स आउट न्यू इन्वेस्टमेंट, तो उससे जो नया इन्वेस्टमेंट होता है उसको मतलब उसको क्या किया जाता है, नए इन्वेस्टमेंट के करने के लिए फोर्स किया जाता है लोगों को, या जो सरकार वो क्या करती है, इन्वेस्टमेंट के लिए फोर्स किया जाता है. एंड रिस्क द टैग ऑफ फायर सेल्स,
और जो जो चीजें जली हुई चीजें उनको सेल करने की अगर बात की जाए, उनसे जो रिवेन्यू बनता है, प्रोजेक्शन फॉर पीपीपी एसेट्स एसेट्स कुड बी डिफ्लेटेड और वो कम हो सकती है। ऑब्वियसली बात है, जो फायर सेल्स है उनको बेचकर जो रिवेन्यू जनरेट होता है उसके अंदर भी कमी हो सकती है। क्या हो सकता है, वो बहुत सारी ऐसी पब्लिक एसेट्स हैं जो कि जल चुकी हैं, अगर उनको सेल किया जाता है तो उनसे जो रिवेन्यू जनरेट होता है कुड बी डिफ्लेटेड। डिफ्लेटेड का मतलब हो गया टू रिड्यूस, कम होना, एंड नाउ लीडिंग टू लोअर बिड्स। और ऑब्वियसली बात है, मतलब जब उनकी नीलामी की जाती है तो लोअर बिड्स, बिड्स का मतलब यहाँ पे नीलामी हो गया, तो कम रेंज से स्टार्ट किया जाता है, फॉलोड बाय सुपर नॉर्मल गेन्स फॉर द ऑपरेटर इन द फ्यूचर। बाद में क्या हो सकता है, फॉलोड बाय सुपर नॉर्मल गेन्स फॉर द ऑपरेटर इन फ्यूचर। और मतलब ऑब्वियसली बात है, फ्यूचर के अंदर हो सकता है कि जो जितने भी अगर बात की जाए जो पब्लिक सेक्टर से जो एसेट्स हैं उनसे बाद में सुपर नॉर्मल गेन्स फॉर द ऑपरेटर इन द फ्यूचर। और क्या एक्सपेक्टेड की जाती है, जो जितनी भी एसेट्स, जो सरकार की जो एसेट्स हैं जो मोनिटाइजेशन के लिए दी जाती है, तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि फ्यूचर के अंदर क्या मिले, गेंस मिले, अच्छे गेंस मतलब सरकार को उससे मिले। गेटिंग द नीटी ग्रीटी, नीटी ग्रीटी का मतलब हो गया द चॉइसेस ऑफ मोस्ट इसेंशियल और मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ सम आइडियाज और एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर बात कर सकते हैं, मतलब एक तथ्य की तौर पर अगर बात की जाए, ऑथेंटिक जो एक तथ्य है, गेटिंग द नीटी ग्रीटी राइट इज क्रिटिकल फॉर दिस ग्रैंड प्लान। और अगर बात की जाए जो तथ्यात्मक तरीके से, तो ये जो प्लान है, जो ग्रैंड प्लान है, ये बहुत बड़ा जो प्लान सरकार ने तैयार किया है, थोड़ा ये क्रिटिकल तो है, बट अगर इसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है तो डेफिनेटली इसका कुछ बेनिफिट लिया जा सकता है। लेकिन ये दिखने में बहुत लाइक अगर बात की जाए, दिखने में तो बहुत लुक्रेटिव दिखाई पड़ रहा है, बहुत ज्यादा एक आकर्षित दिखाई पड़ रहा है, लेकिन किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, सो इट इज अ चैलेंज फॉर दी गवर्नमेंट, क्योंकि वो एक क्रिटिकल रहेगा इतना ग्रैंड प्लान को एग्जीक्यूट करना, राइट। सो बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, इट इज अ फाइनेंशियल आर्टिकल टूडे, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखो, हैड इंप्लीमेंटेड आपका हो गया पास्ट परफेक्ट, हैड के बाद आपने थर्ड फॉर्म लगा दिया, वुड हैव बीन, देखो ये आपका पूरा का पूरा हैड प्लस वी थ्री एंड वुड हैव प्लस वी थ्री आपने यूज किया है, ये आपका पास्ट इमेजिनेशन हो गया आपका। कुड बी डिफ्लेटेड, कुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, डिफ्लेटेड जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म, राइट। So my dear readers, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye, take care and have a nice day.